आप में से बहुत सारे लोगों ने एक सवाल पूछा है। सवाल ये है कि एक तरफ कहा जा रहा है कि कल बॉम्बे हाई कोर्ट रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुनाने वाला है, जो कि 29 सितंबर को सुरक्षित रखा गया था। दूसरी तरफ आज ये खबर आई कि उनकी जो जुडिशियल कस्टडी है वो 20 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। आखिर ये कन्फ्यूजन क्या है? तो मैं आपको बता दूँ कि ये जो 20 अक्टूबर तक जुडिशियल कस्टडी बढ़ाई गई है, ये किला कोर्ट के हिसाब से बढ़ाई गई है। और रिया के जो वकील हैं सतीश माने शिंदे, वो बहुत पहले ही बॉम्बे हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर कर चुके हैं, जिस पर एक लंबी चौड़ी बहस भी हो चुकी है, उस पर फैसला भी लिया जा चुका है, लेकिन वो फैसला कोर्ट ने सुनाया नहीं था। फैसला सुरक्षित रखा गया था और वो सुरक्षित रखा गया फैसला कल सुनाया जाएगा। तो कल का दिन महत्वपूर्ण है। फिलहाल रीसेंट डेवलपमेंट्स जो हुए हैं उसके हिसाब से एनसीबी की पूरी कोशिश रहेगी कि रिया चक्रवर्ती जेल से बाहर ना आने पाए, क्योंकि एनसीबी के अधिकारियों का ये मानना है कि अगर रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती बाहर आते हैं तो जो इस समय एक जांच का प्रोसेस चल रहा है उस पर बुरा असर पड़ सकता है, और एनसीबी की तरफ से यही दलीलें पहले भी दी गई थी। अब देखना यह है कि बॉम्बे हाईकोर्ट कल अपना क्या फैसला सुनाता है।